नमस्कार फेमिनिन, कैसे हो आप सब? आज फिर से मैं हमारी फेमिनिन्स के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी अपने बारे में हम लोग बात करते हैं आज। तो पहले पार्ट में मैंने बताया था फेमिनिन्स के कैसी होती हैं, आज उसी की कड़ी को मैं थोड़ी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो फेमिनिन्स ऐसी होती हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती, नहीं झूठ बोलती हैं और ना वो झूठ सुनना चाहती हैं, ना तो खुद गलती करने की कोशिश करती हैं, ना वो सफाइयां सुनना चाहती हैं कि अगर कोई गलतियां करे और आके झूठी मूठी सफाई दे। हाँ, अगर वो गलतियां करती हैं, कभी गलतियां उनसे हो जाती हैं, तो उस पे वो पश्चाताप भी पूरी तरीके से करती हैं, पूर्ण पश्चाताप करती हैं कि उनसे गलती हो गई है, और वो इसको एक्सेप्ट करने में भी पीछे नहीं रहती हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। वो क्षमा मांगने भी पीछे नहीं रहती हैं। उनके अंदर धैर्य होता है, उनके अंदर सहनशीलता होती है, वो आत्मसम्मान से युक्त होती हैं, मतलब उनके अंदर आत्मसम्मान भरपूर होता है क्योंकि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानती हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ झुक भी जाती हैं। वो किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहती, वो नहीं चाहती हैं कि उनकी वजह से किसी को चोट पहुँचे, कोई दुखी हो। वो प्रकृति के प्रेमी होती हैं, पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करती हैं और उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, जैसे पशु पक्षियों के लिए पानी रखना, चावल रखना। और वो स्वयं भी शाकाहारी होती हैं, वो नहीं चाहती कि उनके वजह से किसी पशु पक्षी की जान जाए। वो प्रकृति की सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहती हैं, कोशिश करती हैं कि कुछ पेड़ लगाया जाए, पेड़ पौधों से उन्हें बहुत प्यार होता है। लोगों के लिए भी वो बहुत ही शुभदायक होती हैं, वो अपने लिए तो उतनी लकी नहीं होती हैं, उतनी शुभदायक नहीं होती हैं, लेकिन लोगों के लिए ज़रूर होती हैं। जहाँ वो जाती हैं तो उनके सामने एक अवेकन जो डिवाइन फेमिनिन होती है, उनके सामने तो बुरी शक्तियाँ रुक भी नहीं सकती हैं। वैसे लोग जो नेगेटिव होते हैं वो उनके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकते हैं, जो वो नहीं टिक पाते हैं तो वो उनसे चिढ़ते हैं, उनसे नफरत करते हैं और वो उनका बिगाड़ना चाहते हैं, हमेशा उनका वो नुकसान करना चाहती हैं। वैसे बुरी शक्तियाँ, वैसे बुरी प्रकृति के लोग। फेमिनिन हमारी जो होती हैं गुस्सा कम करना चाहती हैं, वो शांत प्रकृति की होती हैं, एकांतवासी होती हैं और कम गुस्सा करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो वो किसी को, मतलब सामने चाहे कोई भी रहे, वो नहीं सुनती किसी की, वो सबको हिला के रख देती हैं, उनके सामने कोई टिक भी नहीं सकता है उनके गुस्से के सामने। वो धर्म के मार्ग पर चलना चाहती हैं, सीधे रास्ते पे चलना चाहती हैं, चाहे वो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो शॉर्टकट पसंद नहीं करती। भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहती हैं सदा, लोभ मोह काम क्रोध बहुत कम ही उनके अंदर ये विकार होते हैं। डिवाइन फेमिनिन के अंदर बहुत कम, किसी का कुछ भी देखकर उन्हें लालच नहीं आता, उनको नहीं लगता कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए, या ये उनके अंदर ईर्ष्या की भावना भी बहुत कम होती है, नहीं होती के बराबर होती है। उनको कभी नहीं लगता है कि वो उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन प्रायः उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उनकी लाइफ में आकर के ज़बरदस्ती इंटरफेयर करते हैं और वो सोचते हैं कि इसके पास ये सब क्यों है, क्योंकि उनको कंपटीटर बहुत मिलते हैं पूरी लाइफ में। उनके सामने कंपटीशन के लिए हमेशा लोग तैयार रहते हैं क्योंकि उनके जैसा खुद बन नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनके साथ कंपटीशन की भावना रखते हैं, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों। ऐसे लोग उनको मिल जाते हैं उनके आसपास, बाहर या पूरे परिवार में भी, फैमिली में भी लोग ऐसे मिलते हैं उनको जो पसंद नहीं करते, मतलब बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेगेटिव लोग होते हैं जो उनको पसंद नहीं करते क्योंकि उनके अंदर कुछ विशेषता होती है जो अन्य लोगों के अंदर नहीं होती है, इस वजह से वो उनसे ईर्ष्या करते हैं। हमारी डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं,
बचपन से ही अलग होती हैं, स्पेशल टाइप की होती हैं। अकेले रहना, अकेले अपने आप में मगन रहना, वो एक कलाकार मन की होती हैं। उनको कला बहुत पसंद है, गाना, नाचना, और उनको सीखने की भी इच्छा तत्पर होती है उनके अंदर। वो सीखने में रहती हैं, बहुत ज़्यादा सीखना कभी भी चाहे वो किसी एज की हो, वो चाहती हैं सीखने की, कोई उम्र नहीं होती उनके अंदर। ऐसी इच्छा होती है कि मैं कुछ ना कुछ सीखती रहूं। बच्चों के साथ खेलना, खुश रहना, छोटे बच्चे उन्हें बहुत पसंद है। छोटे बच्चे उन्हें हील करते हैं, वो कभी मेंटली डिस्टर्ब होती हैं तो छोटे बच्चों के साथ उनको बहुत अच्छा लगता है। वो फिर से चार्ज हो जाती हैं, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है उसी तरह से वो बच्चों के साथ, बच्चों में मिक्स हो जाती हैं। घुल मिल जाने के बाद वो खुश हो जाती हैं, उनको हीलिंग मिल जाती है, उनको नए नए ज्ञान प्राप्त करना बहुत पसंद है, मेडिटेशन ध्यान करना पसंद है, शिव की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, वो ईसा मसीह और सभी धर्मों को एक समान समझती हैं, वाहेगुरु सबको एक जैसा समझती हैं और सबकी पूजा करती हैं, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होती हैं। उनको सभी धर्म एक जैसे लगते हैं। उनके अंदर एक विश्वास होता है कि कण कण में भगवान हैं और उनको सब लोग एक जैसे प्रतीत होते हैं। वो दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोचती, हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहती हैं, वो सबका ख्याल भी रखती हैं। अपने माता पिता, अपने से छोटों को ज़्यादा प्यार करती हैं, बड़ों को, वो बड़ों का सम्मान करती हैं और लेकिन अपने छोटों को बहुत प्यार करती हैं। लेकिन वो तार्किक भी बहुत अच्छी होती हैं, तर्क शक्ति उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। हो सकता है कुछ परिस्थितियों बस कभी कभी उनकी तार्किक क्षमता उनके अंदर से चली जाती है, लेकिन जब भी वो ध्यान मेडिटेशन में लगती हैं तो फिर वापस वो पा सकती हैं, पा लेती हैं, और उनकी क्षमता ये बहुत अच्छी होती है। वो कविता भी लिखती हैं, वो संकल्पवादी होती हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, विश्वासी होती है, वो बहुत अच्छी प्रेमी होती हैं, वो लोगों को बहुत प्रेम करती हैं इनकी, इसलिए ईश्वर को भी ये बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए ईश्वर इनकी प्रार्थनाएं और लोगों की अपेक्षा जल्दी सुनते हैं और सफल होती हैं इनकी प्रार्थनाएं। इनमें अद्भुत ऊर्जा होती है, ऊर्जा का बहुत स्तर उनका ऊंचा होता है। ये साधारण लोग इनकी ऊर्जा के आगे टिक नहीं पाते हैं और मतलब इन्हें समझ नहीं पाते, तो ये लेकिन कि इतना होने के बावजूद ये अपने आप को साधारण रखना पसंद करती हैं, बिल्कुल शांत और साधारण, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना, शांत रहना। इनमें अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है, इनकी आँखों में ज़बरदस्त सम्मोहन शक्ति होती है, जो एक बार देख ले तो इनके आकर्षण में पड़ जाता है। साधारण लोग इनके पास नहीं टिकते, ये शब्दों के जादूगर होते हैं, ये जो फेमिनिन होती हैं ये शब्दों की जादूगर होती हैं। इनके पास शब्द मतलब जैसे शब्दों से वो खेलती हैं। इनको लेकिन अपने जीवन में दूसरों की दखल पसंद नहीं, ये स्वच्छंद होती हैं, ये स्वतंत्र रहना चाहती हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये ना किसी को परेशान करती हैं और ये ना चाहती हैं कि इनको भी कोई परेशान करे, किसी की दखल इन्हें पसंद नहीं। कभी कभी ये कठोर भी हो जाती हैं, किसी एक के प्रति, किसी एक के व्यक्ति के प्रति, चाहे ये इनके पति हो या इनके प्रेमी हो, कोई भी हो, ये पूर्ण समर्पित होती हैं। ये मतलब कभी दो नाव पे सवारी करने की कोशिश नहीं करती हैं, कभी इनकी स्थितियाँ ऐसी बन जाएं तो ये हमेशा किसी एक व्यक्ति को चुनती हैं और एक के प्रति समर्पित रहना पसंद करती हैं। तो अभी तक मैंने जो बताया आपसे कितना मिलता है देखना, और फिलहाल मैं इसे यहीं विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में मैं अगला और बताऊंगी फेमिनिन के बारे में। थैंक यू।